डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपने दिन में कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम ड्रिंकिंग, ईटिंग, कुकिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, राइटिंग, बहुत कुछ करते हैं। आप ये वर्ड्स जानते हो ना, आपको इनका मतलब पता है ना, लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है कि आप एक पूरा सेंटेंस नहीं बना पाते। तो चलिए हम आपको सिखाएंगे कि फुल सेंटेंस कैसे बोलना है और आप कितने सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों के जवाब देने की। और वो कौन से सवाल हैं? वो हमारे सवाल हैं ये स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चंस हैं व्हाट, वेयर, व्हेन। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट। एक आम सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब जानते हो, आप क्या कर रहे हो। अब अगर आपसे ये को पूछता है तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? आप नेचुरली आप डेली एक्टिविटीज में से कुछ भी कर रहे हो। अब आप टीवी देख रहे हो, वॉचिंग टीवी, बट यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो, हाउ विल यू रिप्लाई? इट्स वेरी सिंपल, यू विल एड ऑन ओनली आई एम। आई एम आप आगे लगाओगे और अपनी एक्टिविटी को साथ जोड़ दोगे तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम रीडिंग न्यूज पेपर, आई एम कुकिंग, आई एम बाथिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग वॉटर, आई एम ड्राइविंग, सो मैनी, ढेरों आप अपनी एक्टिविटीज बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी हमने किया था व्हाट और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर। वेयर आर यू गोइंग, कोई भी पूछ लेता है कि आप कहाँ जा रहे हो। अब हम बहुत जगह जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं हम मार्केट जाते हैं, हम शॉपिंग मॉल जाते हैं, हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज हैं, और है ना। अब इसको किस तरह से एक सेंटेंस में यूज करना है, आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ कहाँ, आगे आप अपना डेस्टिनेशन जोड़ दीजिए। I'm going to market, I'm going to shopping mall, I'm going to a marriage, I'm going to school, I'm going to college, I'm going to coaching center, I'm going out of station, जहां मर्जी जाइए और जितना मर्जी इंप्रेस करिए। सिंपल सा सेंटेंस, I'm going to। So friends, now it's turn of when। हमारा थर्ड क्वेश्चन था when, when का मतलब होता है कब, और कब इट मीन्स हमें इसका आंसर जो है वो किसी टाइम बताकर देना है। वो टाइम जो है वो हमारा मंथ्स में, ईयर्स में, डे में, और डे के जो सेशन है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, उनमें भी हो सकता है, और 6 बजे, 7 बजे, उनमें भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है कि उनमें प्रपोजिशन जो है वो ठीक लगानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सिंपल है। आई विल, अब हमारा क्वेश्चन है व्हेन विल यू कम टू अस, आप हमारे घर कब आओगे, आप हमें मिलने कब आओगे, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, लोग इनवाइट करते हैं हमें, तो उसका हम आंसर अगर मंथ में दे रहे हैं तो कोई भी मंथ है, आई विल कम, इट्स सिंपल, आई विल कम, मुश्किल तो नहीं। आगे आपने एक प्रपोजिशन थोड़ी सोचकर लगानी है, वो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपने टाइम लगा देना है, हो जाएगा। आई विल कम इन जून, अगर मंथ है तो इन लगेगा, आई विल कम ऑन ट्यूजडे, डेज है, कोई भी डे है तो उसके साथ ऑन लगेगा। I will come in evening. अब दिन का कोई भी पहर है, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, उसके साथ क्या लगेगा, इन, बट नाइट के लिए जो है ये एट लगेगा, I will come at night. उसमें इन नाइट नहीं होगा, ध्यान रखना। I will come at 6 PM. जब हम किसी को टाइम दे देते कि इतने बजे है तो एट टाइम के लिए। I will come at 8:30 या 8:30. अब मैं टाइम बता रही, टाइम कैसे, आपने 8:30 को किस तरह से बोलना है, 8:30 या 8:30, बोथ ढंग से आप बता सकते हैं। आई विल कम एट 4:45 है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, a quarter to 5 PM, ठीक है। तो ये थे आपके वैन के डिफरेंट आंसर्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने कोशिश की है आपको बताने की, समझाने की, तीन जो मेजर हमारे क्वेश्चंस हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन। अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा ये वे ऑफ टीचिंग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को, सोनिया खुराना के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विल वेट फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट।